नमस्कार। देश में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो परस्पर विरोधी नेता होते हैं उनको भी एक सुर में बोलना पड़ता है। देश में बच्चों की एजुकेशन के बजट से रिलेटेड एक खबर आई है, उस पर केजरीवाल और प्रियंका गांधी दोनों एक सुर में उसके खिलाफ बोल रहे हैं। दरअसल द प्रिंट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 3,000 करोड़ का बजट स्कूली एजुकेशन के लिए इस बार मोदी सरकार फंड क्रंच के चलते कम कर देगी। जो बजट में ऐलान हुआ था लगभग 56,000 करोड़ का, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री एचआरडी मिनिस्ट्री को 3,000 करोड़ कम कर सकती है। हालांकि एचआरडी मिनिस्ट्री इस खबर को गलत बता रही है और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर कुछ बोल नहीं रही है, तो ऐसे में आशंकाएं लगातार बनी हुई हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने उस खबर को शेयर किया है, उसका लिंक शेयर किया है और एक ट्वीट किया है कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों का एजुकेशन बजट काटा जा रहा है। आप कुछ और कटौती कर सकते थे, किसी और मद में कटौती कर सकते थे, लेकिन बच्चों के एजुकेशन में के बजट में कटौती नहीं करते, क्योंकि इससे सीधे सीधे उनकी एजुकेशन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ये वो कह रहे हैं और प्रियंका गांधी लिख रही हैं ट्वीट में, सीधे सीधे हिंदी में ट्वीट कर रही हैं। वो लिख रही हैं कि भाजपा सरकार अपने अमीर दोस्तों के 5.5 लाख करोड़ कर्ज माफ़ कर देती है, अमीर दोस्तों को 6-6 एयरपोर्ट दे देती है, लेकिन स्कूल शिक्षा के बजट में 3,000 करोड़ की कटौती हो रही है। मतलब बड़े बड़े लोग रसगुल्ला खाएं, लेकिन मिड डे मील में सरकारी स्कूल के बच्चों को नमक रोटी नसीब होगा। प्रियंका गांधी ने जो नमक रोटी की बात कही है, सीधे सीधे यूपी सरकार पे निशाना है। वहीं से ये खबर आई थी मिड डे मील को लेकर। जो ये बजट है बेसिकली बच्चों की जो एजुकेशन पर जाता है उसमें कई मद होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, समग्र शिक्षा अभियान तो होते ही हैं, मिड डे मील का बजट भी इसी पैसे से जाता है। और ये रिपोर्ट दावा कर रही है कि 3,000 करोड़ का फंड क्रंच है जिसके चलते कटौती होगी इस पैसे की, और ये अगले हफ्ते ऐलान होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नेता इस खबर के विरोध में सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि कल को सरकार इस पर सफाई दे या पलट जाए। हम अपडेट करेंगे आपको। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इनखबर। थैंक यू, नमस्कार। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।